मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में मेयर के उम्मीदवारों को कत्ल की धमकी, धमकी के बाईस उम्मीदवारों के दरमियान होने वाले मुबाहिसे मनसूख, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के शहर हैलीफैक्स में जंगलात में लगी आग बेकाबू। टोरंटो में एनवायरनमेंट कनाडा की शदीद गर्म मौसम की वार्निंग जारी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कैनेडियन वजीर आजम के मुशीर से गैर मुल्की मदाखलत पर सवाल, जोडी थॉम्स का कहना था कि इंटेलिजेंस के इश्तराक के तरीक़ार में खामी थी, वफाकी हुकूमत इंटेलिजेंस से निमटने के तरीकों को बेहतर बना रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन तकरीब में मुंह के बल गिर पड़े, फिजाइया अहलकार उनके करीब आए और उन्हें संभाला देकर खड़ा किया। अमरीकी सदर मुतादिद बार जहाज की सीढ़ियों व्हाइट हाउस के चबूतरे पर लड़खड़ा चुके हैं। अमरीकी एयरफोर्स के ड्रोन ने मस्नूई जहानत से अपने ही ऑपरेटर को हलाक कर दिया। हुकाम का कहना है कि वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। मस्नूई जहानत पर मबनी ड्रोन को आजमाइशी तौर पर उड़ाया गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. टोरंटो मेयर की बहस उस वक्त मनसूख कर दी गई जब मुतादित उम्मीदवारों को एक शख्स की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुमेरात को होने वाली टोरंटो मेयर की बहस उस वक्त मनसूख कर दी गई जब मुतादित उम्मीदवारों को एक शख्स की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीदवारों को ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी में मुबाहिसे में शिरकत करना थी। मुबैना धमकी जुमेरात की रात टोरंटो की मेयर की बहस को मंसूख करने के बाद दी गई। ये वाजे नहीं है कि धमकी में किन उम्मीदवारों का नाम लिया गया था। इवेंट के मनसूख होने तक मुतादित उम्मीदवार इवेंट से दस्तबरदार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि ये शख्स अब हिरासत में है और मजीद मालूमात बाद में जारी की जाएंगी। जुमेरात को तीन मेयर के उम्मीदवारों ने इशारा किया कि उनकी आवामी मुहिम की सरगर्मियां उन धमकियों के बारे में जानने के बाद मुतासिर हुई थीं। जुमेरात की सुबह टोरंटो पुलिस ने ईस्ट यार्क में एक कॉल का जवाब दिया, जहाँ एक शख्स ने मुबैना तौर पर धमकियाँ दी। पुलिस ने बताया कि इस वक्त कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था और मुकाम का किसी भी उम्मीदवार की पेशी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस का कहना था कि धमकियां बेनाम मेयर के उम्मीदवारों के खिलाफ दी गई और उन्हें खतरा करार दिया। पुलिस एक ऑनलाइन धमकी की भी तलाश कर रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि एक ही शख्स ने दी थी। पुलिस ने कहा था कि ये शख्स मुबैना तौर पर जिस्मानी नुकसान की धमकियाँ देने, छुपाया हुआ हथियार रखने और ख़तरनाक हथियार रखने के इल्ज़ाम में मतलूब था। मेयर के उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने लोगों की हिफाजत के पेश नज़र मुबाहिसे में शिरकत मंसूख की। किसी भी मुंतखब अहदेदारों या इलेक्शन के ख्वाहां अफराद के खिलाफ धमकियां बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो के इलाके के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जो जुमे तक जारी रहने की तवक्को है, और खबरदार कर रही है कि इससे हवा का मयार खराब हो सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि गर्मी की एक बेलगाम लहर अगले दो दिनों में टोरंटो को लपेट में ले लेगी, जबकि हैलीफैक्स के पूरे इलाके में मुतादित आग ने अमले को जुमेरात की सपहर को मसरूफ रखा, जब दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया और नवाही इलाके में
837 हेक्टर जंगल की आग चौथे दिन भी जल गई। शुमाली क्यूबेक के जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में पूरे सूबे में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। एजेंसी ने टोरंटो के इलाके के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जो जुमे तक जारी रहने की तवक्को है, और खबरदार कर रही है कि इससे हवा का मयार खराब हो सकता है। वार्निंग में कहा गया है जुमेरात और जुमा दोनों को दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। नमी के साथ 34 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होता है। रातों रात के कम से कम राहत की पेशगोई की जाती है। आला नौ उम्रों में दर्जा हरारत बरकरार रहने की पेशगोई के साथ एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते को ठंडा दर्जा हरारत वापस आ जाएगा, जिसकी मुतवक्के बुलंदी 22 सेंटीमीटर ग्रेड होगी। एजेंसी का कहना है छोटे बच्चों, हामला खवातीन, बूढ़े बालिग अफराद, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद और बाहर काम करने या वर्जिश करने वालों के लिए खतरात ज्यादा हैं। माहौलियात कनाडा ड्राइवरों को ये भी याद दिला रहा है कि वो कभी भी लोगों या पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक जुमे को सूरज और बादलों की आमेजिश होगी, जिसके साथ बारिश या दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गर्मी की वार्निंग उस वक्त जारी की जाती है जब बहुत ज्यादा दर्जा हरारत या नमी की सतह से बीमारी का खतरा लाहक होने की तवक्को की जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक या गर्मी की थकन। क्यूबेक की पावर यूटिलिटी ने बिजली बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की, जब जंगल की आग की वजह से तकरीबन 1 मिलियन सार्फीन बिजली से महरूम हो गए। ट्विटर पर क्राउन कॉरपोरेशन ने कहा कि बिजली बतदरीज बहाल हो जाएगी और चंद घंटों के अंदर 2 लाख से ज्यादा सार्फीन को बिजली पहुँच गई। 2,44,000 सार्फीन बिजली से महरूम थे। मॉन्ट्रियल सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक है, जिसमें 125 बंदिश के साथ 93,500 सार्फीन मुतासिर हुए। कैनेडियन वजीर आजम की कौमी सलामती की मुशीर का कहना है कि माइकल चोंग को मुतनबा करने में नाकामी का जिम्मेदार कोई शख्स नहीं, बल्कि तरीक़ाकार की खामी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मुशीर का कहना है कि अगरचे कैनेडा की सिक्योरिटी सर्विसेज मेम्बरान पार्लियामेंट और हुकूमत की आला सतह पर मौजूद अफराद को चीन के धमकी आमेज हरबों के बारे में बर वक्त मुतनबा करने में नाकाम रही, लेकिन इस अमल में खराबी किसी एक शख्स की गलती नहीं थी। जोडी थॉम्स ने एक पार्लिमानी कमेटी को बताया कि नाकामी का कोई एक नुक्ता नहीं है, इस अमल में एक खामी थी। सीनियर सरकारी मुलाजिम की गवाही उस वक्त सामने आई जब 3 MPs ने चीनी हुकूमत की उनके खिलाफ मुहिमात के बारे में कैनेडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से मौसूल होने वाली मालूमात को आम किया और एक हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट में हुकूमत के खुफिया मालूमात को संभालने के तरीके से संगीन मसाइल का जिक्र किया गया। थॉम्स ने तरीक़ाकार और हाउस अफेयर कमेटी को बताया कि उसे हाल ही में मालूम हुआ है कि साबिक कंजर्वेटिव रहनुमा एरन ओटोल और NDP MP जेनी कॉन को बीजिंग ने निशाना बनाया था। थॉम्स ने MPs को बताया कि CSIS ने उन्हें गुज़िश्ता 3 से 4 हफ्तों के दौरान उन केसेस के बारे में आगाह किया और ये कि खुद ट्रूडो को हाल ही में उनके बारे में इल्म हुआ। ट्रूडो और थॉम्स दोनों ने कहा कि उन्हें चोंग के खिलाफ मुहिम के बारे में सिर्फ उस वक्त मालूम हुआ जब ग्लोब एंड मेल ने गुज़िश्ता माह एक कहानी शाये की। थॉम्स ने कहा कि CSIS ने July 2021 में हुकूमत के 3 नायब वज़रा को एक मेमो भेजा, लेकिन ये पैगाम मौसर तरीके से ब्लैक होल में चला गया। मेरे ख्याल में अमल में खराबी थी, ना सिर्फ अमल में खराबी, मेरे ख्याल में एक नाकाफी अमल है। गैर मुल्की मदाखलत के बारे में जॉनसन की रिपोर्ट में ये भी पता चला कि CSIS ने मई 2021 में उस वक्त के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बेयर, उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उनके नायब वजीर को एक इश्यूज मैनेजमेंट नोट भेजा था। उन्होंने कहा कि नोट में इंटेलिजेंस के बारे में खबरदार किया गया है कि इरादा मिस्टर चोंग और एक रुकन पार्लियामेंट और चीन में उनके खानदान को निशाना बनाना था। कमेटी के बाहर ब्लेयर ने कहा कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि आया उनके साबिक नायब को कभी मवाद तक रसाई हासिल हुई है, और कहा कि उनके पास इतनी मालूमात नहीं है कि वो ये कह सकें कि आया CSIS के डायरेक्टर डेविड मैकडोनाल्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग की नाकामियों का जिम्मेदार है। अमरीकी सदर जो बाइडन फिजाइया की ग्रेजुएशन तकरीब में स्टेज पर खड़े खड़े औंधे मुंह गिर गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन फिजाइया की ग्रेजुएशन तकरीब में स्टेज पर खड़े खड़े औंधे मुंह गिर गए। सदर बाइडन जुमेरात को कोलोराडो में एयरफोर्स अकेडमी से फारिगुल तहसील होने वाले कैडेट्स को डिग्री देने की तकरीब में शरीक हुए, जहाँ उनके साथ ये वाकया पेश आया। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने अमरीकी फिजाइया की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की और जब आखिरी पायलट को डिग्री दी तो उसके बाद वो वहीं खड़े खड़े गिर गए। अमरीकी सदर के अचानक गिरने पर वहां खड़े फिजाइया अहलकार उनके करीब आए और उन्हें संभाला देकर खड़ा किया।
बाद अजा उन्हें सहारा देकर कुर्सी की तरफ ले गए। अमरीकी सदर के तकरीब के दौरान गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सार्फीन की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से सरकारी हुक्काम ने कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम एक बार फिर लड़खड़ाने या गिरने से अमरीकी शहरियों और माहिरीन ने जो बाइडन की सेहत पर सवालात उठाए हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी अमरीकी सदर मुतअद्दिद बार जहाज की सीढ़ियों व्हाइट हाउस के चबूतरे पर लड़खड़ा चुके हैं। अमरीकी फिजाया के ड्रोन ने मस्नूई जहानत से अपने ही ऑपरेटर को हलाक कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी फिजाइया के ड्रोन ने मस्नूई जहानत से अपने ही ऑपरेटर को हलाक कर दिया। हुकाम के मुताबिक मस्नूई जहानत से चलने वाले ड्रोन ने ऑपरेटर के हदफ को तबाह करने या ना करने के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपना रुख मोड़ा और अपने ही ऑपरेटर को निशाना बना डाला। ड्रोन ने मस्नूई जहानत से यह समझा कि ऑपरेटर उसे हदफ तक पहुँचने से रोक रहा है। अमरीकी एयरफोर्स की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मस्नूई जहानत पर मबनी ड्रोन को आजमाइशी तौर पर उड़ाया गया था। ड्रोन को ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल को तबाह करने का हदफ दिया गया था। एयरफोर्स हुकाम का कहना है कि वाकई की मजीद तहकीकात की जा रही है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.